हेलो बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ लखनवी अंदाज के साथ, जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, आज की यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार तथा रोचक है। मैं आशा करती हूँ आपको जरूर अच्छी लगेगी। इस कहानी में लखनऊ के एक नवाब के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। बहुत इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। सब बच्चों को यह कहानी बहुत पसंद आती है, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। लेखक को रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब मिलता है। नवाब बड़े सलीके से खीरे को खाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच होता है। इसलिए अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खीरे को केवल सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि वे लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान को फर्क आ जाएगा, यानी इनकी शान में दखल अंदाजी हो जाएगी। तो आज का समाज भी ऐसा ही दिखावा पसंद और इस प्रकार की संस्कृति का आदि हो गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के पतनशील सामंती वर्ग और उनकी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। नवाब बनावटी जीवन शैली को अपनाने में यकीन करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को समाज में कहीं भी देखे जा सकते हैं। आप अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं भी इस प्रकार के व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी पाठ के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। ध्यान से समझिए का पाठ, बहुत ही अच्छा पाठ है। मुफस्किल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किसकी बात हो रही है? लेखक यशपाल जी की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी कहानी के लिए अपनी कहानी लिखनी थी, जिसके लिए मुझे पात्र की आवश्यकता थी और उसके लिए मुझे एकांत चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेकंड क्लास के डिब्बे में ही बैठूं, जिससे मुझे बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए खिड़की आसानी से मिल जाए। तो ये सोचकर वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। गाड़ी छूट रही थी और सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि यशपाल जी ये सोचकर उस डिब्बे में चढ़े थे कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस डिब्बे में कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, यानी कि उनके एकांत में विघ्न पड़ गया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी कि लेखक को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये इसलिए संकोच कर रहे हैं क्योंकि इनको एकांत में मेरी तरह अपनी कहानी लिखनी थी और मैं वहां पहुंच गया, या फिर ये अकेले में बैठकर खीरा खाना चाहते हो
और इसलिए इनको मेरे आने से संकोच हो गया। ये सब बातें लेखक मनीमन सोच रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। हम सोचने लगे कि वो क्यों संकुचा रहे हैं मेरे आने से। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा पर यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे के में सफर करता देखे। ये उनकी शान के खिलाफ था, तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, ये वो सोच रहे थे। इन कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब के सहसा हमें संबोधन किया। आधा वर्ष जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में धड़े लेना चाहते हैं। जनाब, जवाब दिया, शुक्रिया, किबला सौग फरमाए। फिर क्या हुआ, किबला सौग फरमाए, ये किसने कहा, ये लेखक ने कहा। अब नवाब साहब ने क्या किया कि दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और उन्हें झाड़कर या धो करके उन्होंने तौलिए से पोंछ लिया और जेब में से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाने लगे। वो सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा नमक लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुटन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी कि खीरे के स्वाद से उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखियों से मतलब आंख चुरा करके देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, फिर बोला, वल्ला शौ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला सौग फरमाए, यानी कि आप खाएं। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबी गहरी सांस ली और खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर
वासना से सदा रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी वो एक एक करके ऐसे ही नाक के पास ले जाते, उसकी खुशबू सूंघते और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? बच्चों, क्या आपका पेट भर सकता है सिर्फ सूंघने से? आपने खीरा रखा सामने, सूंघा और बस आपका पेट भर गया, ऐसा हो सकता है? बस जो लेखक थे वो भी यही सोच रहे थे कि वो ऐसे डका ले रहे थे नवाब साहब खीरा खाने के बाद। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे का बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है। लेखक ने व्यंग किया है कि जिस प्रकार से सिर्फ खीरे की खुशबू से डकारे ली जा सकती है तो उसी प्रकार से बिना पात्रों के, बिना घटना के कहानी भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों, ये था आज का आपका पाठ लखनवी अंदाज। आशा करती हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सब बच्चे इस पाठ को एक बार फिर से अपनी किताब से इसे पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ और कवि का पाठ परिचय, कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा, उसके बाद आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे और सारांश लिखेंगे, इस पाठ का सारांश भी लिखेंगे। धन्यवाद।